जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। बहुत ही खुशी की बात है, हमेशा से जो दिक्कत आ रही थी भक्तों को, उसका सॉल्यूशन हो गया है। वो ये हो गया है कि जो हमें परमिट नहीं मिलते डेट वाइज, बैंकों में जाना पड़ता था, बैंक वाले भी कई बार मना करते रहते थे, उसके लिए ऑनलाइन लेसन स्टार्ट हो गए हैं। अभी कुछ दिन पहले स्टार्ट हुए हैं, तो काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही थी, तो शाइन बोर्ड को दोबारा मेल वगैरह किया, तो उन्होंने उसमें इम्प्लीमेंट करके अब वेबसाइट पे होने शुरू हो गए हैं, और हमारे कई यात्रियों ने करवाए हैं। इसलिए जो जो दिक्कतें उनको आई या कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो मैं आपको बता दूँ और आपको आसानी हो जाए, तो वो पॉइंट मैंने लिख लिए हैं, वो मैं आपके यहाँ शेयर कर रहा हूँ। उसमें आप ध्यान रखें सबसे पहले कि आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट तो बनाना ही पड़ेगा। तो जो हॉस्पिटल की लिस्ट है हमारी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे, आप वहाँ से अपने हॉस्पिटल का नाम वगैरह देख के और उस हॉस्पिटल में जाके अपना मेडिकल बनवा लीजिए, सबसे पहले तो आप हो गया। और दूसरा है, अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो स्कैन कर लें, जो कि JPG और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, और उसका भी साइज़ 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत आएगी। जो भक्तों ने किया है उनके साथ ही परेशानी आई, तो मैं आपके यहाँ शेयर कर रहा हूँ। तीसरा पॉइंट है आपका, अपने मेडिकल सर्टिफिकेट को आप स्कैन करके PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लें, और PDF फॉर्मेट का जो साइज़ है वो 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो अपलोड होने में दिक्कत आएगी, और अपलोड नहीं होगा, तो ये बातों का ध्यान रखें। चौथा पॉइंट है, 13 साल से कम उम्र का बच्चा और 75 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति, 6 हफ्ते से ज़्यादा जो महिला गर्भवती है वो यात्रा नहीं कर सकती है, उनके परमिट नहीं बनेंगे, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब जो है पांचवा पॉइंट, वो ये है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आपका मोबाइल नंबर यूज़ होता है, एक मोबाइल नंबर से आप 4 परमिट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक बारी में एक ही होगा। ऐसा नहीं कि आपने अप्लाई किया और चारों के चारों एक बारी में अप्लाई कर दो, ऐसा नहीं है। आपने एक का बना लिया, फिर दूसरी बार दोबारा किया लॉगिंग, फिर किया, ऐसे एक नंबर से 4 बार हो सकता है। अगर एक परिवार के 4 लोग जा रहे हैं तो उनको बार बार एक ही मोबाइल नंबर से 4 बार कर सकते हैं, अगर ज़्यादा लोग हैं तो दूसरा मोबाइल नंबर यूज़ कर सकते हैं, तो सबका आसानी से हो जाएगा। छठा पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आप यात्रा पे जा रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो आपने प्रिंट आउट लिया है वो प्रिंट आउट आपको साथ लेके जाना है, उसके अलावा एक ID प्रूफ, ओरिजिनल फोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल लेके जाना है, और जो मेडिकल आपने अपलोड किया था वो भी आपको साथ लेके जाना है। ये तीनों डॉक्यूमेंट आपको साथ लेके जाने हैं, इसके बिना आपको वहाँ पे एंट्री नहीं करने देंगे, तो आप ये विशेष ध्यान रख लें अपना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जो भक्तों को परेशानी आई उन्होंने शेयर की और उसका सोल्यूशन हुआ, तो ये पॉइंट थे जो आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा इसमें एक बहुत ही अच्छा काम हुआ है, वो ये हुआ है कि जब भी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो पहले आप चेक कर सकते हैं कि किस डेट के परमिट हैं, किसके नहीं हैं, कौन से रूट से मिल सकते हैं, कौन से रूट से नहीं मिल सकते हैं, तो आप ये वेबसाइट का लिंक है इस पे खोल के इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। जैसे सपोज करो मुझे पहलगांव से जाना, तो मैं पहलगांव डालूंगा और डेट डालूंगा, तो उसमें लिखा हुआ जाएगा कितने परमिट बैलेंस है, तो आप 5 या 10 लोग जितने भी जाना चाहते हैं वो अपनी प्लानिंग कर सकते हैं कि भाई हम 10 लोग हैं, 10 लोगों का परमिट बन जाएगा, 10 लोग अपने अपना अलग अलग लॉगिन करके अपना परमिट बनवा लीजिए। ये बहुत अच्छा काम हुआ है सभी भक्तों के लिए, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्राइन बोर्ड का, जिन्होंने इतना अच्छा काम सभी शिव भक्तों के लिए किया। बहुत बहुत धन्यवाद श्राइन बोर्ड का। श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर मैसेज या कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भोले बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी ये कोशिश रहेगी कि सही जानकारी और जल्द से जल्द आप तक पहुंचाई जाए। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।